आज बिजली के क्षेत्र में चार बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहां पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी बात, ऐसे पिछले कई महीनों से हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, ऐसे कई परिवार देखने को मिले, ऐसे कई बिल देखने को मिले कि लोगों के गलत बिल आए हुए हैं। और कई बार होता है कि जानबूझ के गलत भेजे जाते हैं, 60,000 का बिल भेज दिया, अब वो बेचारा जब ठीक कराने जाता है तो उसको कहते हैं 10,000 दे दे, तेरा बिल माफ कर देंगे। होता है ना, कई बार जबरदस्ती के झूठे बिल भेजे जाते हैं। अब बेचारा चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर गलत बिल आए हुए हैं कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी मशीनरी भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाएगी। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने, उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली का यह मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2015 में, जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, दिल्ली में 7-7 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर, इतने पावर कट लगते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने और मेरे मंत्रियों ने और मेरे विधायकों ने गली गली जा जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके तारें बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए, खड़े होके, जैसे अपने घर का काम कराते हैं ना जब घर की, वैसे खड़े होके हमने ट्रांसफार्मर चेंज करवाए, तारें चेंज करवाई, रिप्लेस कराई, और आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। लोगों ने इन्वर्टर इस्तेमाल करने बंद कर दिए, जनरेटर इस्तेमाल करने बंद कर दिए। उत्तराखंड में भी बिजली की कमी नहीं है, उत्तराखंड में बिजली बहुत है कि नहीं है? उत्तराखंड तो दूसरों को बिजली देता है, फिर भी बिजली के पावर कट लगते हैं, क्यों लगते हैं? तो उत्तराखंड में कोई पावर कट नहीं होगा, ये तीसरी बात। और चौथी बात, किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उसकी जेब में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को और अच्छी तरह पाल लेगा। तो चौथी बात, किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी।